नमस्कार दोस्तों, फाइनली सैमसंग के A20s जो कि दोस्तों सैमसंग का एक मिड रेंज का फ़ोन है, तो दोस्तों इस फ़ोन में भी एक नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों A30 में अपडेट आया है, उसी तरह A20s में भी दोस्तों एक नया अपडेट आ चुका है, जिसमें दोस्तों हमें जो पुराने बक्स थे वो फिक्स होने को मिले हैं और हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर पेज लेवल है वो 1 अप्रैल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये सैमसंग की A सीरीज में काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले दोस्तों A50 में आया था, फिर उसके बाद A30 में आया था, अब दोस्तों A20s में भी ये अपडेट दे दिया गया है। तो दोस्तों जिन लोगों के पास A20s है तो वो फटाफट से इस अपडेट को कर लें, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद हमेशा की तरह आपके फ़ोन में जो बक्स होते हैं वो फिक्स हो जाएंगे और आपका सिक्योरिटी पेज लेवल दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा मत समझा करो कि छोटे छोटे अपडेट हैं तो इनसे दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे अपडेट छोटा हो और चाहे दोस्तों अपडेट बड़ा हो। जब भी आप अपने फ़ोन को टाइम पर अपडेट करते हो, जब अपडेट आता है तो दोस्तों कुछ ना कुछ हमारे फ़ोन में इम्प्रूवमेंट होती है, तो आप ज़रूर से अपने फ़ोन को अपडेट कर लिया करो, क्योंकि दोस्तों जब भी कंपनी अपडेट देती है तो वो तभी देती है जब हमारे फ़ोन में कोई कमी होती है कंपनी की तरफ से। तो आपके फ़ोन में अगर दोस्तों जो अपडेट आ चुका है तो आप इस अपडेट को तुरंत से इंस्टॉल कर लें और अपने फ़ोन को एक नया लुक दें, क्योंकि दोस्तों आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर लेवल बढ़ जाएगा और आपके फ़ोन जो भी बक्स होंगे छोटे मोटे, चाहे वो लैगिंग का हो या फिर हीटिंग इशू हो, वो दोस्तों तुरंत से फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इस अपडेट कर लोगे तो क्या पता इसके बाद कोई और अपडेट आया है। तो दोस्तों आप जब मैं सोचा करो कि अगर इसके बाद कोई और अपडेट आएगा तो आप जब अपने फ़ोन को अपडेट करोगे तो आप नया वाला अपडेट कर लोगे। दोस्तों आपके फ़ोन में जितने अपडेट पेंडिंग में पड़े रहेंगे आपको सारे करने पड़ेंगे अगर आप अपना लास्ट वाला अपडेट इंस्टॉल करना चाहते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।